सेहत के लिहाज से करेला गुणों से भरपूर है। यह खाने में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके सेवन से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए करेला किसी अमरूद से कम नहीं होता। इसके नियमित सेवन से इंसुलिन का स्तर भी सही किया जा सकता है। वहीं करेले के सेवन से पेट की समस्या भी दूर की जा सकती है। यह लीवर, अस्थमा जैसी बीमारी में भी मदद करता है। करेले के सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर रहती है। इसके साथ ही एसिडिटी, छाती में जलन और खट्टी डकारों से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए हर किसी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेले के सेवन के बाद कुछ चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही 7 चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं जिसे करेले के सेवन के बाद नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। करेला को खाने के बाद गलती से भी भिंडी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक घातक जहर बनने लग जाता है जिसके चलते आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि भिंडी और करेले कभी साथ में न खाएं। करेला खाने के बाद या उसके साथ आपको पपीता भी नहीं खाना चाहिए, या फिर थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें करेला एक सब्जी है और पपीता एक फल है। इसलिए जब भी आप करेला खाते हैं तो करेला अपने शरीर में जो पानी होता है उसे सोख लेता है, जबकि पपीता हमारे शरीर को पानी देता है। इसलिए इन दोनों का काम एक दूसरे से अलग पड़ता है, जिससे हमें एसिडिटी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए करेला खाने के बाद या करेला के साथ पपीते का सेवन थोड़ा कम करें। यदि आप अपने खाने में करेले की सब्जी और आम साथ में खा रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आम और करेला का एक साथ सेवन करने से यह एक ऐसा रिएक्शन बना देता है जिससे आपके शरीर में जहर फैलने लगता है और आपको उल्टियाँ भी हो सकती है। इससे आप बहुत ज़्यादा ही बीमार भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आम और करेले का सेवन एक साथ ना करें। करेला खाने के बाद दूध भी बिल्कुल नहीं पिए। ऐसा करने से चेहरे पर काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से चेहरा थोड़ा खराब दिखने लगता है। अगर आप करेले का सेवन कर रहे हैं तो इसके बाद मूली नहीं खानी चाहिए। इससे सेहत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से सांस संबंधी समस्याएं हो सकती है। साथ ही ये हृदय के लिए भी हानिकारक है। करेला खाने के बाद कभी भी भीगे हुए चने का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल उससे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यह हमारे शरीर में जाकर मिक्स होकर जहर बना देता है। इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। गर्भवती महिलाओं को भी करेले का सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है और गर्भपात होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।